हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पहला जिला बनेगा जो कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई राशि को पूर्ण रूप से खर्च करेगा। कायदा इसके लिए कवायद शुरू हो गई है और पेंडिंग 6113 कार्य को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कही। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पहला जिला बनेगा जो कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई राशि को पूर्ण रूप से खर्च करेगा। बकायदा इसके लिए कवायद शुरू हो गई है और पेंटिंग 6113 कार्य को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला की 229 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य को लेकर 14वें वित्त आयोग के तहत बेहतर काम किया गया है जिससे ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण विकास की रफ्तार को दोगुना करने के लिए वित्त आयोग से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से लेकर अब तक वित्त आयोग के पैसों में करीब 82 करोड़ पैसे उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें 45 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और 37 लाख के करीब रुपए बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि 1486 जगहों पर काम चला हुआ है जबकि कुल काम 14359 स्वीकृत किए गए थे। ग्रामीण विकास के माध्यम से जो भी कार्यक्रम, चाहे वो 14 फाइनेंस हो, एमजी नरेगा हो या 5th स्टेट के माध्यम से जो पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाता है और कितना पैसा, जब से 14 फाइनेंस इस देश के एसएसपी प्रधानमंत्री के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से ग्रामीण विकास की रफ्तार को दुगुना करने के लिए ये पैसा सीधा उपलब्ध करवाया गया और 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 के 4 वित्त वर्षों में हमीरपुर जिला को लगभग 82 करोड़ 78 लाख 97 हजार 413 रुपए उपलब्ध करवाए गए और इसी 14 फाइनेंस के तहत अभी तक जो हमारा जिला है उसने लगभग 45 करोड़ 44 लाख रुपया खर्च किया है और 37 लाख रुपया जिसपे अभी कई काम ऑन गोइंग है। तो इसमें जो टोटल स्कीम से जो वर्क सेंक्शन थे वो 14,14,659 काम सेंक्शन हुए और जिसमें 7,060 कार्य पूर्ण हुए और 1486 जो काम है वो ऑन गोइंग उन पे कार्य चला हुआ है। राकेश ठाकुर ने बताया कि जिला में पानी के कामों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी के चलते जिला परिषद के माध्यम से चेक डैम पेयजल स्कीमों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में करीब 1,73,57,000 रुपए 14वें वित्त आयोग में मिले हैं। हमारे जिलाधीश महोदय के माध्यम से पीछे एक बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया कि हर पंचायत में हर महीने 5 नए कार्य शुरू किए जाएंगे और लगभग हमारे जिला में 229 पंचायत हैं, तो हम इस ढंग से करें तो लगभग 1,150 काम हर महीने नए जुड़ेंगे और 31 मार्च 2020 तक ये सारे के सारे 6113 कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा हिमाचल प्रदेश में। जब ये काम पूरे हो जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पहला जिला होगा जिसमें 14th फाइनेंस में जो पैसा अब तक मिला वो 100% खर्च कर दिया जाएगा। 14th फाइनेंस का है उस पे पानी पे अब आगे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है तो 14th फाइनेंस के तहत छोटे छोटे चेक डैम्स बनाकर उस पानी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमीरपुर जिला ने इस कड़ी में बहुत अच्छा काम किया है और मैं आशा भी करता हूँ कि आने वाले जो भी हमारा लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, उसमें और अच्छा और सशक्त काम हम करेंगे। प्रदेश सरकार ने 5th स्टेट के माध्यम से हर जिला परिषद मेंबर्स को, हर जिला को पैसा मुहैया करवाया और इसी में जो हमारा अपना जिला है हमीरपुर जिला, उसमें लगभग 1,73,57,071 रुपए जो हमें 5th स्टेट के माध्यम से हमें मिले और इसमें अलग अलग वार्ड्स में अगर हम विस्तृत रखें, विस्तृत जानकारी आपके पास है, हर जिला परिषद मेंबर्स को जो उसकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा दिया गया कि जी हम मुख्यमंत्री रूरल रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जो हमारा जिला है सड़कों का और कैसा अच्छा हो गांव में, उसमें लगभग 92,14,800 रुपए जिला परिषद के माध्यम से, मुख्यमंत्री रूरल रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से यह पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है।
इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष चंदूलाल चौधरी, जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल, बीना चंदेल भी मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।